गोरे साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। बस तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सबर करो कि बुमराह और ऐश बाल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया, आज ये बेसबॉल फुटबॉल घुस गया। मेरे पास आओ ना, सबसे पहले वो ब्रैंडन मैकलम जो कल बैठ के बकवास पेल रहा था कि हमें बेशक ये 600 का टारगेट देंगे तो हम वो भी चेज कर लेंगे। वो जिमी एंडरसन बैठ के बकवास पेल रहा है हमें ये 600 का टारगेट देंगे तो हम ये चेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। बेन स्टोक्स कह रहे हैं हम रेडी हैं, और जैक रोली बैठ के बकवास कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हम छोटा ग्राउंड है इजिली रन चेज करेंगे। और 292 पे उन्होंने आपको लुढ़क दिया है, 292 पे उन्होंने आपका घंटा बजा दिया। शानदार किस्म के वर्ड्स बोल के गया था जिमी एंडरसन, 70 ओवर के अंदर मैच खत्म होगा। क्या बात है एंडरसन की, उसको पता था कि उसकी जो टीम है वो 70 ओवर तक ही खेल सकती है, या तो हारेंगे या तो इंडिया ने मैच ठोक के जीता आज। ऐसे भले आप जैसे इंडिया ने आज जो बॉलिंग की है यार, मैं कहता हूँ एंड कर दिया बॉलिंग फील्डिंग, और ऊपर से यार रोहित शर्मा की कैप्टेंसी मजा आ गया, उसने अपनी टीम के ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया किसी तरफ से भी। मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया के बदले से डरना चाहिए, इंडिया जो है जब हारता है तो उससे ज्यादा खतरनाक किस्म के तरीके से सामने वाली टीम को कमबैक करके हराता है। जो गोरों के नौकर है बगैर तनख्वाह के, गोरों के चाटू है, गुलाम है, स्लेव्स है, और चा चा पा पा फलाना ये कर देगा, सुबह हम 600 कर देंगे, 800 कर देंगे, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, गोली दे दें, टीका दे दें, फलाना दे दें, एंडरसन क्या कह रहा है, केपी क्या कह रहा है, वॉन क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है वो देखो। बना आगे मारा उन्होंने आपको, रगड़ा आपका घंटा बजाया पकड़ के, सही मायनों में आपका घंटा बजाया। आज इंग्लैंड क्रिकेट का मोए मोए कर दिया उन्होंने, मोए मोए इनके साथ हो गया, क्योंकि कल तक ये बंदे बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम 60 या 70 ओवर्स में रन चेज कर लेंगे। मुझे बता दो कहां आपने 60 और 70 ओवर पूरे भी खेले हैं, इतना मुझे बता दो। नहीं, 70 ओवर इंडिया ने पूरे आपको खेलने भी दिए हैं, खेलने दिए हैं उन्होंने आपको 70 ओवर पूरे कि आप रन चेज कर लो। भाई आपके नीचे से टेल एंडर ने कुछ किया वरना आपका 200 पे लुढ़क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 106 रनों से हरा दिया है। जी हां दोस्तों, इस जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से भारतीय टीम की दीवानी हो चुकी है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, वही इंग्लैंड की टीम की बहुत ज्यादा मजाक बना रही है। जिस तरह से दोस्तों बता रहे थे कि साले बेसबॉल खेलने आए थे भारत से, और दोस्तों भारत ने इनका बेसबॉल का घंटा बजा दिया। जी हां दोस्तों, जो एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया था जिसमें दोस्तों जेमी एंडरसन कह रहे थे कि हम 70 ओवर में मैच जीत लेंगे, 70 ओवर मैच खत्म कर देंगे, 6600 रन हो चाहे 500 रन हो, हम 70 ओवर में रन चेस कर देंगे, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है और जेम्स एंडरसन को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बता रहे हैं कि तुम्हारे अब्बू आएंगे 600 रन चेस करने, साले तुमसे तो 250 रन 300 रन चेस नहीं होता है, तुम 600 रन चेस कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज भारत ने इनको दफनाया है, जिस तरह से इनको दफा किया है दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ कर रही है, इतना तारीफ कर रही है कि साली बता रही कि भारत की टीम बहुत ही मजबूत है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम में जब इंग्लैंड गई थी खेलने तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को रगड़ा लगा दिया था, और दोस्तों वही भारत की टीम ने जिस तरह से इनको रगड़ा लगाया है तो जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा खुश है। तो दोस्तों आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। ऐसे दोस्तों हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। गोरे साले 600 चेस करेंगे और इनको रात को नींद नहीं आएगी। बस तुमको बोला था तुमको नींद नहीं आएगी, जरा सबर करो कि बुमराह और ऐश बाल जो है वो तुम्हें बताएंगे कि क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। आगे बड़े डराने वाले, ओ भाई मेरे रिहान से डरा रहे इनके बड़े बड़े फन्ने खान नन्हे खान, रिहान इज अ मास्टर स्ट्रोक। अच्छा जी, और फुलाना जो है बाल फाड़ देगा, वो फुलाना आएगा, क्या बोला था ओले पाप का आपने, बड़ा मुझसे पूछा था, हाँ जी बताएं, दोनों इनिंग्सों में पैगा, दोनों इनिंग्सों में रिजवान हैदर 50 कर गया वो, हालांकि अंडे पे स्टंप भी छूट चले लानत भेजे, बोला था 50 नहीं करेगा, दोनों इनिंग्सों में मिला के कर गया 50। जिस जिस का देखे ये 28 बातें करके 50 प्लेयर चुन के, ये प्रेडिक्शन हम नहीं देते ना, हमें ऐसी क्रिकेट आती है। ये बाल जो है साले ये धूप में नहीं सफेद हुए के बातें करते हैं, यूट्यूबरी है पुता, यूट्यूबरियों में और जर्नलिस्ट में
हाँ आप जैसे जर्नलिस्ट हमारे इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया आज, ये बेसबॉल फुटबॉल घुस गया मेरे पास। हो ना सबसे पहले वो ब्रैंडन मैकलम जो कल बैठ के बकवास पेल रहा था कि हमें बेशक ये 600 का टारगेट देंगे तो हम वो भी चेज कर लेंगे, वो जिमी एंडरसन बैठ के बकवास पेल रहा है हमें ये 600 का टारगेट देंगे तो हम ये चेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। बेन स्टोक्स कह रहे हैं हम रेडी हैं, वो जैक रोली बैठ के बकवास कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हम छोटा ग्राउंड है इजिली रन चेज करेंगे। और 292 पे उन्होंने आपको लुढ़क दिया है, 292 पे उन्होंने आपका घंटा बजा दिया पकड़ के, बेस बॉल को घुसा के उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। इतना मारा उन्होंने आज आपको, इतना जलील किया उन्होंने आगे आपको, मुझे बता दो इतना जलील आपको कभी किसी ने किया हो मुझे बताओ, मतलब कुत्ता बना आगे मारा उन्होंने आपको, रगड़ा है आपका घंटा बजाया पकड़ के, सही मायनों में आपका घंटा बजाया आज। इंग्लैंड क्रिकेट का मोए मोए कर दिया उन्होंने, मोए मोए इनके साथ हो गया, क्योंकि कल तक ये बंदे बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम 60 या 70 ओवर में रन चेज कर लेंगे, मुझे बता दो कहां आपने 60 और 70 ओवर पूरे भी खेले हैं इतना मुझे बता दो। नहीं 70 ओवर इंडिया ने पूरे आपको खेलने भी दिए हैं, खेलने दिए उन्होंने आपको 70 ओवर पूरे कि आप रन चेज कर लो। और भाई आपके नीचे से टेल एंडर ने कुछ किया वरना आपका 200 पे लुलड़ बुलड़ हो गया था। शानदार किस्म के वर्ड्स बोल के गया था जिमी एंडरसन, 70 ओवर के अंदर मैच खत्म होगा, क्या बात है एंडरसन की, उसको पता था कि उसकी जो टीम है वो 70 ओवर तक ही खेल सकती है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है, यकीन करेंगे ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं पूरे टेस्ट मैच के अंदर, इस वाली इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड की ऐसा लग रहा हो कि इंग्लैंड जीत जाएगी, हर वो ऐसा ही लग रहा था कि एक विकेट गिरने की देर है और इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज हो जाना है। और वही हुआ कि जहां पे इनका जैक क्रॉली आउट होता है वहां पे इनकी लाइन लग जाती है। बेन स्टोक का जो रन आउट था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, क्योंकि बेन जो गोरों के नौकर है बगैर तनख्वाह के, गोरों के चाटू है, गुलाम है, स्लेव्स है, और चा चा पा पा फलाना ये कर देगा, सुबह हम 600 कर देंगे, 800 कर देंगे, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, गोली दे दें, टीका दे दें, फलाना दे दें, एंडरसन क्या कह रहा है, केपी क्या कह रहा है, वॉन क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है वो देखो। बोला था इंडियन बॉल जो है इनकी बॉलें निकाल के गली में फेंक देगी, तो आपके सामने है के क्या हो रहा है और क्या नहीं। वालेकुम सलाम, आई फील वेरी सैड टू सी दैट डेवलपमेंट। पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया पिछले टेस्ट, इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया पिछले टेस्ट मैच में, जो गलतियां हुई थी इस दफा नहीं हो रही, दोनों इनिंग्स के अंदर 200 आए हैं। जी हां, शुभमन गिल की शानदार किस्म की बल्लेबाजी, 4 आउट हो चुके हुए थे, बाकी एक चांस मिला गिल को, लेकिन उसने सही यूटिलाइज किया, बड़े 100 के अंदर तब्दील किया, 132 बॉलों के ऊपर उसने 100 स्कोर किया। इसका मतलब ये है कि उसने तेज भी खेला है, बेस बॉल को पूरी टक्कर भी दी है। शुभमन गिल द प्रिंस ऑफ इंडिया, जिसको फेमस है प्रिंस के नाम से, बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आपको याद होगा पहली इनिंग्स में जब इसने बल्लेबाजी की थी मैंने तब भी कहा था मुझे गिल जो है ना वो टच। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो दोस्तों इंग्लैंड को बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं और बता रहे हैं कि साले गोरे आए थे भारत से मैच जीतने, भारत ने इनको उल्टा ही टांग दिया और जिस तरह से हराया है भारतीय टीम ने। दोस्तों इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही सोच रही होगी कि किस तरह से भारत ने क्या शानदार परफॉर्म करके हराया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पहले यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी किया दोस्तों, 209 रन की पारी खेली, फिर इसके बाद सुमन गिल ने जिस तरह से कमबैक किया और जिस तरह से इंग्लैंड को टीम को दूसरी इनिंग में बीट किया, और दोस्तों इस बीट के बाद बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की टीम दबाव में आ चुकी थी। और दोस्तों फिर बॉलिंग की बात किया जाए तो दोस्तों बॉलिंग जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने किया है दोस्तों इस मैच में भी और अगले मैच में, जिस तरह से 6 विकेट लेके दिखा दिया था दोस्तों, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी थी पूरी तरीके से और बता रही है कि भारत की टीम से बराबरी करना कोई भी टीम नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत की टीम क्रिकेट खेल रही है भारत की बराबरी कोई भी टीम नहीं कर पाएगी। जिस तरह से दोस्तों इंग्लैंड को अब किस दफनाया है, जिस तरह से इस मुकाबले में हराया है, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि भारत बहुत बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर बन चुका है, भारत बहुत ही टक्कर के गेम खेल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा गाली दे रही है, बता रही है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा भी इंग्लैंड से हारती रही है और भारत को देख लो, भारत जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है भारत की बराबरी हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।